आज भी कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में 3.58 रुपए इजाफा हुआ है। लेन देन 229 रुपए में किया गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 225 रुपए 42 पैसे रिकॉर्ड की गई थी, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख 233 रुपए है। अजीज जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे सफदर अब्बास से। सफदर बताइएगा, आज बिल्कुल डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे के तसलसल देखा जा रहा है। रवां हफ्ते के दौरान डॉलर की कीमत में इंटरबैंक मार्केट में तकरीबन 10 रुपए से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 2 सितंबर को डॉलर की कीमत 218.97 रुपए रिकॉर्ड की गई थी, जबकि आज डॉलर की ट्रेडिंग 229 रुपए की सतह पर देखी गई। तो इस तरह एक हफ्ते के दौरान, यानी कि जो आज पांचवा कारोबारी सेशन है, इसके दौरान 5 हफ्ते दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 10.03 रुपए का इजाफा सामने आया, और गुज़िश्ता रोज से अब तक की डॉलर की कीमत में 3.58 रुपए का इजाफा सामने आया है। कहा जा रहा है कि कितने डॉलर की तलब जो है वो मौजूद है, इसकी वजह से उसकी कीमत में भी इजाफा सामने आ रहा है। साथ ही हम देख रहे हैं कि इंटरबैंक मार्केट के असर ओपन मार्केट पर भी देखे जा रहे हैं, जहां पर डॉलर की कीमत इजाफे के बाद 237 रुपए पर पहुंच चुकी है। जी सदर, हमें तो बताया गया था कि जब IMF का ट्रेंच मिल जाएगा, 1.2 और 3 मिलियन डॉलर्स मिल जाएंगे, तो फिर ये सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, रुपए की कदर बहाल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है और डॉलर बढ़ता जा रहा है, क्या वजह है? करेंसी एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, करेंसी एक्सपर्ट्स की तरफ से भी यही जो है वो निशानदेही की गई थी, यही पेशन गोई की गई थी कि IMF की जानिब से जो वो ताज मसूल होने के बाद कुछ रुपए पर जो प्रेशर में कमी होगी। हमने देखा कि IMF से गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो ट्रांस भी 1 अरब डॉलर से ज्यादा की मौसूल हो गई, लेकिन ये एक लेटर ऑफ कम्फर्ट था। इसके बाद हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो हमारे दोस्त हैं, जो फ्रेंड कंट्रीज हैं, जो दीगर हमारे मालियाती इदारे हैं, उनकी जानिब से फिलहाल अभी तक कोई ऐलान या कोई मदद सामने नहीं आ सकी है। लेकिन अभी तक डॉलर सिर्फ हमें IMF से ही मौसूल हुए 1 अरब डॉलर से जायद, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अभी तक मार्केट में डॉलर की तलब और कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। जी।